सर दिल्ली में जो काउ बिजली दिल्ली में भी इंटर हो गया, कल एक घटना देखने को मिली, तीन लोगों को भी असॉल्ट किया गया। नहीं यह है ना कि जो बीजेपी पार्टी जो है और उनकी सरकार भी है तो वो खुद नहीं चाहते कि गौरक्षकों को दबाया जाए, उनको रोका जाए, बल्कि ये तो अब टेररिज्म कर रहे हैं। जिसके जो दिल में आ रहा है किसी गरीब को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये खुद कानून बन चुके हैं। तो ये तो मुल्क के लिए बहुत बड़ी खतरनाक बात है। अगर ऐसा होगा तो फिर एनआरकी बढ़ते जाएगी, और अगर बीजेपी हिंदुत्व प्रैक्टिस कर रही है तो फिर करिए और देख लीजिए फिर मुल्क में अंजाम क्या होगा फिर इसका। तो बीजेपी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से बोलते हैं और करते कुछ भी नहीं है, तो आखिर कब रुकेंगे ये लोग? वरना तो ऐसा तो रुकने वाली चीज नहीं है कि कई लोगों की, अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, 2 महिलाओं की इज्जत बलात्कार हो चुका है, आए दिन ऐसे वाकयात हो रहे हैं। तो एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, सख्त कानून लगाना चाहिए, इनको एक एग्जाम्पल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पिनार क्यों जाएगी मुल्क में? सर कश्मीरी यूथ के साथ हालांकि प्रधानमंत्री ने अपील की है। सर देखिए प्रधानमंत्री सिर्फ अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की अपील का कोई जमीन पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में कई कश्मीरी लड़के आकर पढ़ रहे हैं, और मेवात यूनिवर्सिटी में एक मार्केट में उनको मारा पीटा गया। आए दिन कहीं ना कहीं कश्मीरी स्टूडेंट के ऊपर मारम पीटी होती है, उन पर हमला होता है। तो अगर हम कश्मीर, हमारा मुल्क का अटूट हिस्सा है, जरूर है, तो क्या कश्मीरी नहीं है? तो ये पूरे मुल्क में जो एक एनवायरमेंट बन रहा है कि जिसमें मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत पैदा करना, उसमें किसी हद तक कामयाब हो चुके हैं। इसीलिए या तो गाय के नाम पर मारा जाता है, गाय रक्षक के नाम पर, या फिर कश्मीरी को जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, जो वोट डालता है उसको मारते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है, वो ये कहती है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जिस दिन मीटिंग होती है उसी दिन कश्मीर में इंटरनेट डाउन हुआ था। तो क्या हम कर क्या रहे हैं? तो ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल गवर्नेंस में नाकाम साबित हो रही है। सिर्फ गवर्नमेंट अपील कर रही है, और गवर्नमेंट जिस तरीके से नेक नियति से इसको इम्प्लीमेंट करना, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। इसीलिए आए दिन ये वाकयात में इजाफा हो रहा है, और इससे गलत मैसेज जा रहा है। कश्मीर, कश्मीरी भी और कश्मीर दोनों हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है, और हमको वो हिंदुस्तानी है, कश्मीरी है, उनकी इज्जत करना जरूरी है। अगर ऐसे ही मारते रहेंगे, ऐसे ही स्कॉलर्स को डराते रहेंगे, तो फिर गलत मैसेज जा रहा है। इंसिडेंट्स committed by these gaurakshak are increasing day by day. They have already murdered 9 people. They have raped 2 Muslim women. The problem is that this government which is in power does not want to implement the full force of law on them. They have a soft corner for them, and that is why these gaurakshaks are emboldened, because they know for a fact that they have a party in power which is ideologically sharing the same thought with them. It is high time that the government stops these gaurakshaks, because they are part of RSS. They are part of RSS, and BJP knows them very well. So either the government stops them, or if not, then very soon we will be seeing anarchy committed by these so-called gaurakshak who are committing act of terrorism against innocent people. And what about